गरियाबंद जिले में लव जिहाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा करते हुए जिले के छुरा ब्लॉक मुख्यालय में बंद का आह्वान किया। इसके साथ ही स्वर जयंती चौक पर धरना प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को जल्द युवती को घर वापस लाने ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि चुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रसेला निवासी की युवती को मुस्लिम समुदाय के लड़के ने जबरदस्ती धर्मांतरण कराया, जिससे हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोशित हैं। हिंदू समाज ने धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कहा कि जब तक युवती की वापसी नहीं कराती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है और सर्व समाज मिलकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि तत्काल उस अपराधी की गिरफ्तारी हो। हमारे हिंदू बेटी जिसको लेकर गया है वो थाना में उपस्थित कराए, उनके पिताजी को सुपुर्द किया जाए। जो है लड़की के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उसका ब्रेन वॉशिंग करने का प्रयास हो रहा है, जबरदस्ती उसके एफिडेविट लिखाया जा रहा है कि मैं वो नमाज करने मस्जिद जाती हूँ दुनिया भर से, और वो जो जिस वो के पास जाकर एफिडेविट लिखवाया एक हिंदू लड़की के हाथों से, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई की मांग करने आए थे। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि हम लोग बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। बेटी को सही सलामत मेरे को मिलना चाहिए और जो धर्मांतर कराए हैं वकील उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सकुशल मैं शासन प्रशासन से सरकार से यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी सकुशल मेरे से सौंपा जाए। कब से गायब आपकी लड़की? 6 तारीख से रात्रि करीब 1:30-2 बजे। यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन जो है जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए और हमें सौंपा जाए, और जो धर्मांतरण का मामला है और उसमें वकील ये साफ साफ लिखा है कि जो मेरी बहन है स्कूली स्तर से इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ती आ रही, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ जो वकील जो नोटरी किया है एफिडेविट जो करवाया है, कौन से जो शासकीय संस्था है वह धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आर्टिकल 28 में साफ लिखा है कि जो राज्य द्वारा प्रोसित कोई शिक्षण संस्था है उसमें कोई प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो मेरी बहन जो है शुरू से ही लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती आ रही, तो वो जबरदस्ती लिखाया गया उससे। FIR दर्ज किया गया है, आज सर्व समाज के द्वारा ज्ञापन मतलब आया गया था थाने में और जल्दी पकड़ने की बात कही गई थी। तो चूँकि हम टीम पर ऑलरेडी बना चुके हैं, 2-3 टीम बन चुकी है, इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहे हैं और जल्द से जल्द हम उसको पकड़ लेंगे आरोपी को। पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है और सर्व समाज मिलकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन।